गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ फॉर्मूलेज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.6। 3.6 में इन सभी फॉर्मूलेज का यूज होगा, वो फॉर्मूले हम अभी करने वाले हैं। इसमें सम के फॉर्मूले जाएं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के सम के फॉर्मूले। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा। थर्ड है फिर कोस का ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। इन फॉर्मूलेज के प्रूफ भी है, वो हम अलग से वीडियोज में करेंगे। अभी हम ओनली सीधे फॉर्मूले को याद करके लिख रहे हैं कि कैसे हमें याद रखना है फॉर्मूले के, ये मैं बता रही हूं। इसमें साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, साइन ए पहली टर्म साइन की आएगी फिर कोस की, साइन ए कोस बी प्लस फिर कोस की टर्म आएगी और फर्स्ट वाली टर्म कोस ए साइन बी। ऐसे ही साइन यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, सेम फॉर्मूला है। वरना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें पहली टर्म साइन की आती है फिर कोस की, एस सी फिर दूसरी क्या है सी एस, इसमें भी यही है एस सी सी एस। साइन वाले जो सम के फॉर्मूले याद रखने के लिए पहला एस सी सी एस, एस मीन साइन सी मीन कोस, सी मीन कोस एस मीन साइन, प्लस है तो बीच में पहले प्लस लगा देंगे माइनस है तो माइनस, यानी कि साइन ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी किसके इक्वल बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। नाउ कोस ए प्लस बी ये किसके इक्वल होगा, कोस ए कोस बी। अगर यहाँ पे प्लस है इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें प्लस था तो प्लस लेके चल रहे, इसमें क्या होगा इसका अपोजिट होगा कोस ए कोस बी माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन बी। नाउ कोस ए माइनस बी इसको कैसे लिखेंगे, कोस ए कोस बी माइनस है बीच में क्या आ जाएगा प्लस, साइन ए साइन बी। इसको याद कैसे रखना है, यहाँ पे देखो सी सी एस एस सी सी एस एस ये भी यही है सी सी एस एस, बीच में क्या करना है हमें, यहाँ पे प्लस था प्लस होता तो प्लस और माइनस होता तो माइनस, इसमें भी प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और इसमें अपोजिट करना अगर प्लस है तो माइनस, तो पहले यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस। याद रखने का तरीका है ये, कोस ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, कोस ए कोस बी माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे साइन अपोजिट करना है माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी। सिमिलरली हम टेन के फॉर्मूले लिखेंगे, इसमें टेन ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस साइन अपॉन में कोस होता है ना, उसी से ये फॉर्मूला बनाया गया है, ये किसके इक्वल होगा साइन ए प्लस बी अपॉन में कोस ए प्लस बी, फिर हम कोस ए कोस बी से डिवाइड कर देंगे फिर ये फॉर्मूला बन रहा है, ये किसके इक्वल होता है टेन ए प्लस में टेन बी वन माइनस में टेन ए टेन बी। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर एच डी प्लस आएगा और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ऊपर प्लस आ गया तो यहाँ पे माइनस, फिर टेन ए माइनस बी का किसके इक्वल होगा, ये टेन ए माइनस टेन बी क्योंकि बीच में माइनस है और ऊपर माइनस आ गया तो नीचे क्या आएगा वन प्लस में टेन ए टेन बी। इनका प्रूफ एक ही फॉर्मूले का हमें प्रूफ करना है, वो हम किसी और वीडियो में करवा देंगे, अभी जस्ट फॉर्मूले याद करने के लिए लिखवाए हैं। और याद करने की यही ट्रिक है, पहले साइन वाले फॉर्मूले में एस सी सी एस एस सी सी एस, कोस वाले में सी सी एस एस, सी मीन्स कोस कोस साइन साइन, यानी कि पहली टर्म कोस कोस की आएगी फिर साइन साइन की, कोस कोस की अगर माइनस है तो प्लस आएगा प्लस है तो माइनस। सिमिलरली टेन ए प्लस बी किसके इक्वल है, टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन माइनस में टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस में टेन ए टेन बी। अब हम ऐसे ही कुछ और फॉर्मूले देखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। अब कुछ फॉर्मूले हैं कोट के, कोट ए प्लस बी जैसे हमने किया है टेन ए प्लस बी का, ऐसे ही किसका भी है फॉर्मूला कोट ए प्लस बी का, ये कैसे करना है, कोट ए कोट बी यहाँ पे प्लस है तो माइनस अपॉन में कोट बी प्लस में कोट ए।
टेन का फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन माइनस में टेन ए टेन बी, कोट ए प्लस बी का हो गया कोट ए कोट बी माइनस में वन अपॉन में कोट बी प्लस में कोट ए। दूसरा है कोट ए माइनस बी का, ये क्या होगा कोट ए कोट बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, कोट बी माइनस में कोट ए, फॉर्मूला बन गया कोट ए माइनस बी का कोट ए कोट बी प्लस में वन अपॉन में कोट बी माइनस कोट ए। और फॉर्मूले है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, कैसे होगा, हमने फॉर्मूला फर्स्ट पढ़ा था साइन ए प्लस बी किसके इक्वल था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी साइन ए कोस बी प्लस में सॉरी माइनस में, माइनस है तो माइनस रहता है साइन वाले फॉर्मूले में, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा साइन स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए को वन माइनस में कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी को वन माइनस में कोस स्क्वेयर बी, माइनस को अंदर लेके जाएंगे वन माइनस कोस स्क्वेयर ए माइनस वन प्लस में कोस स्क्वेयर बी, वन से वन कैंसिल हो गया ये किसके इक्वल आ गया कोस स्क्वेयर बी और माइनस में कोस स्क्वेयर ए, यानी कि फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी और कोस की टर्म में कोस स्क्वेयर बी माइनस कोस स्क्वेयर ए, यानी कि ये इस फॉर्मूले का क्या हो गया प्रूफ। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोस की फॉर्म में कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा यहां से कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर बी, इसके इक्वल होगा कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर बी, इसमें दोनों टर्म साइन की देखो साइन वाले में और इसमें कोस वाले में एक कोस की और एक साइन की, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, इसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस में साइन स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर बी को वन माइनस में कोस स्क्वेयर बी, माइनस को अंदर लेके जाएंगे वन माइनस में साइन स्क्वेयर ए माइनस वन प्लस में कोस स्क्वेयर ए, वन से वन कैंसिल किसके इक्वल आ गया ये कोस स्क्वेयर ए माइनस में साइन स्क्वेयर ए, कोस सॉरी यहाँ पे एंगल बी था तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा बी, तो यहाँ पे कोस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए, यानी कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, फिर इसको मैंने तोड़ दिया वन माइनस में साइन स्क्वेयर ए और इसको वन माइनस में कोस स्क्वेयर बी, ये वन से वन कैंसिल हो गए किसके इक्वल आ गया कोस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर ए। ऐसे ही दो तीन फॉर्मूले और हैं जिसमें थ्री एंगल्स गिवन है हमें ए बी सी, अब तक हमने टू एंगल्स वाले किए हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला कर रहे हैं हम जिसमें तीन एंगल्स गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, अब तक हमने क्या किया है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहां से इसको ए मान लेंगे इसको बी, यानी कि ये ए फॉर्म का हो गया और प्लस में बी, हमें पता है साइन ए प्लस बी फॉर्मूला किसके इक्वल होता था साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला किसके इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, सेम एज इट इज हम इस फॉर्मूले को करेंगे ए प्लस ए की जगह पे कंप्लीट ए प्लस बी रख देंगे, तो ये फॉर्मूला किसमें चेंज हो गया साइन ए प्लस बी कोस सी प्लस में कोस ए प्लस बी साइन सी, अब यहां से साइन ए प्लस बी फॉर्मूला खोल सकते हैं यहां से कोस ए प्लस बी फॉर्मूला खोल सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बार ब्रैकेट में क्या है इसके कोस सी प्लस में यहां से कोस ए प्लस बी फॉर्मूला किसके इक्वल होता था ए प्लस बी कोस ए कोस किस में चेंज होता है सी सी एस एस प्लस है तो माइनस है तो प्लस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और ब्रैकेट में क्या है इसके साइन सी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म्स की कोस सी के साथ साइन ए कोस बी कोस सी प्लस में कोस ए साइन बी कोस सी प्लस में यहां से साइन सी के साथ कर देंगे कोस ए कोस बी साइन सी
माइनस में साइन ए साइन बी साइन सी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, साइन ए कोस बी कोस सी, प्लस में कोस ए साइन बी कोस सी, प्लस में कोस ए कोस बी साइन सी, माइनस में साइन ए साइन बी साइन सी। सिमिलरली हम किसका फॉर्मूला करेंगे, कोस ए प्लस बी प्लस सी, कोस ए प्लस बी प्लस सी, थ्री एंगल्स है यहाँ पे भी गिवन। तो हमने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहां से ए प्लस बी को हम ए कह देंगे, सी को बी, ए प्लस बी। तो ये किसमें चेंज हो गया, कोस ए कोस ए प्लस बी। अब कोस ए प्लस बी किसके इक्वल है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां से ए की जगह पे ए प्लस बी, कोस ए कोस बी मीन्स कोस सी माइनस साइन ए, ए मीन्स ए प्लस बी, और साइन सी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन साइन बी। अब कोस ए प्लस बी फिर से बोल सकते हैं हम, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बाहर ब्रैकेट में क्या है कोस सी माइनस साइन ए प्लस बी, खोल देंगे फिर से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और बाहर क्या है साइन सी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से कोस सी के साथ, कोस ए कोस बी कोस सी माइनस साइन ए साइन बी कोस सी, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए कोस बी साइन सी, प्लस में कोस ए साइन बी साइन सी, माइनस को अंदर लेके जाएंगे कोस ए कोस बी ये टर्म एज इट इज, माइनस में साइन ए साइन बी कोस सी, माइनस लेके गए माइनस साइन ए कोस बी साइन सी, माइनस कोस ए साइन बी साइन सी, यानी कि कोस ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, कोस ए कोस बी कोस सी माइनस साइन ए साइन बी कोस सी माइनस साइन ए कोस बी साइन सी माइनस में कोस ए साइन बी साइन सी, और फॉर्मूले का क्या हो गया ये प्रूफ भी इजिली हो गया, हमने किससे किया है कोस ए प्लस बी का यूज करके, और ए प्लस बी की जगह पे मैंने ए को क्या कह दिया यहाँ पे ए प्लस बी, और बी को क्या कह दिया सी। ऐसे ही हमारे पास किसका फॉर्मूला भी है, टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी किसके इक्वल होता था, टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन माइनस में टेन ए टेन बी। अब हमारे पास तीन एंगल है ए बी और सी, अब ए प्लस बी को मैंने ए कह दिया सी को बी, अब टेन ए प्लस बी फॉर्मूला कैसे खुल गया, टेन ए प्लस बी यानी कि टेन ए प्लस टेन बी, ए की जगह पे ए प्लस बी और बी की जगह पे सी, टेन ए प्लस बी प्लस में टेन सी अपॉन में वन माइनस में टेन ए टेन बी। अब टेन ए प्लस बी फिर से खोल देंगे फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, प्लस में टेन सी एज इट इज अपॉन में वन माइनस में टेन ए प्लस बी की जगह पे फिर फॉर्मूला खोल दिया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और आगे क्या है इसमें इंटू में टेन सी। अब एलसीएम क्या आएगा, ऊपर से वन माइनस में टेन ए टेन बी, नीचे से भी क्या आएगा वन माइनस टेन ए टेन बी, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले टर्म ऊपर जाके क्या होती है रेसिप्रोकल, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा टेन ए टेन बी प्लस में टेन टेन सी इंटू में ये पूरी टर्म जो एलसीएम आया था वन माइनस टेन ए टेन बी, नीचे से ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी वन के साथ वन माइनस टेन ए टेन बी, और माइनस ब्रैकेट में अंदर रह जाएगा टेन ए प्लस टेन बी और इंटू में टेन सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन गया है ये टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ हमारे 3.6 के बेसिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी का जो भी वो है डेरिवेशन वो एक अलग से वीडियो में मैं करवा दूंगी, तब तक ये फॉर्मूले हमें ऐसे याद करके और हमें 3.6 की प्रॉब्लम सोल्व करनी है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 3.6 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स।